चौधरी साहब, रात के 12:30 बजे हैं और आप कोतवाली में हैं, चुनाव का वक्त है, मामला क्या है? कोई फेसबुक फेक वीडियो, अभिषेक राठौर लड़का है कोई मिलकर रहने वाला, उसने फेक वीडियो डाल दी फेसबुक पे। मुझे लोगों ने फोन किया, क्या बात है? मैंने थाने आकर पूछा, थाने से गए, उससे लेकर आए, उसे लेकर आए तो उसने अपनी गलती मानी है और वहां बैठा हुआ। अब ये पता नहीं चला कि ये फीस भेजो किसने डलवाई है और किसने किस उद्देश्य से डलवाई है। क्या संदेश क्या है उस फेक वीडियो में? संदेश ये है कि ये चुनाव नहीं लड़ रहे और ये किसी के पक्ष में बैठ गए। अच्छा, मतलब एक रूमर उड़ाई जा रही है कि आप किसी के पक्ष में बैठ गए और आप रूमर। हाँ, रूमर। हाँ, मतलब चुनाव का माहौल खराब करने का करने के लिए। हाँ, माहौल खराब करने के लिए। तो आप थाने आए, क्या शिकायत दी है कोई? नहीं, एफआईआर लिखे। अच्छा, तो क्या व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट की गई है या फेसबुक मीडिया पर या मतलब फेसबुक प्लेटफॉर्म पर डाली गई? फेसबुक प्लेटफॉर्म पर एफआईआर करा दी हमने। एफआईआर करा दी? तो वो बंदा गिरफ्तार है? हां, उसमें है ना, थाने में बैठे, थाने बंद है। क्या नाम बताया आपने? अभिषेक राठौर। तो चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं और माहौल को खराब करने का जो प्रयास है वो लगातार यहाँ पर जारी है। अनिल चौधरी है बसपा प्रत्याशी, जैसा कि आप देख रहे हैं, और रात के 12:30 बज रहे हैं, मतलब पौन लगभग बजा है, और ये थाने में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि र्यूमर उड़ाई जा रही है फेसबुक और सोशल मीडिया के जरिए कि वो किसी और के पक्ष में बैठ गए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। चौधरी साहब हमारे समक्ष हैं और उन्होंने खुल के कहा है कि वो अपना चुनाव भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं और बाकायदा FIR कराने के लिए आए हैं, और कोई अभिषेक राठौर नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है और उसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है।